यूपीआई पिन को चेंज करना चाहते हैं, आपको नहीं मालूम है तो आप कैसे उसे पता कर सकते हैं, यदि आपको पता भी है तो कैसे चेंज कर सकते हैं, दो तरीका बताऊंगा। पहला कि आपको नहीं पता है तो कैसे यूपीआई पिन पता कर सकते हैं या तो चेंज कर सकते हैं, और दूसरा कि आपका पता है और दूसरा उसे चेंज कर देना है, दूसरा पासवर्ड लगाना है, यूपीआई पिन लगाना है, तो कैसे चेंज कर सकते हैं। फ़ोन में जब भी आप किसी के पास पैसे ट्रांजेक्शन करते हैं तो वहाँ पर यूपीआई पिन लिख कर आता है, या तो आप बैंक बैलेंस चेक करने जाते हैं जब भी तो वहाँ पर यूपीआई पिन मांगता है, उसी यूपीआई पिन की बात कर रहा हूँ जो यहाँ पर 6 डिजिट का यूपीआई पिन होता है। तो उसे कैसे चेंज कर सकते हैं और उसे कैसे मालूम कर सकते हैं, इस वीडियो में आपको सबसे आसान तरीका बताने वाला हूँ, जिस तरीका से यूपीआई पिन को रीसेट किया जाता है और चेंज किया जाता है और मालूम किया जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले अपने फ़ोन पे को एक बार ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का होम पेज पर आप जब आइएगा तो आपको यहाँ पर जो भी पैटर्न होगा वो पैटर्न दे देना है। फ़ोन पे के आने के बाद आपको एक ऊपर की तरफ में आपका एक लोगो दिखाई दे रहा होगा, मैं आपको ध्यान से दिखाने की कोशिश करूँगा लोगो। इस लोगो पर आपको क्लिक करना है, इस लोगो पर, ठीक है। तो चलिए मैं अपने लोगो पर क्लिक कर रहा हूँ, आपका फ़ोटो लगा होगा या तो नहीं भी लगा होगा। तो यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन आ रहा है पेमेंट का, पेमेंट यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है, तो बैंक अकाउंट, तो आप किस बैंक में से पैसे ट्रांजेक्शन करते हैं, कौन सा चालू है, आपका एक ही यहाँ पर लॉगिन होगा तो उसी अकाउंट पर क्लिक करना है। तो मेरा इस ए वाला अकाउंट का यूपीआई पिन चेंज करना है, रीसेट करना है, दूसरा पिन लगाना है, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, ठीक है। तो चलिए मैं इस पर सबसे पहले क्लिक कर रहा हूँ, मेरा इसी का यूपीआई पिन चेंज करना है, तो इस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ। क्लिक करने के बाद एक ऑप्शन आ रहा है, आपको यहाँ पर ध्यान से देखिए, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ यूपीआई पिन 6 डिजिट, ठीक है, और यहाँ से आप रीसेट कर सकते हैं। यदि आपको नहीं मालूम है यूपीआई पिन, यदि मालूम ही नहीं है तो आपको मालूम करना है, तो यहाँ पर रीसेट पर क्लिक कीजिए, ठीक है ना, आपको रीसेट पर क्लिक करना है। रीसेट पर क्लिक करने का यहाँ पर आपको एक ऑप्शन आ रहा है, 6, यहाँ पर 6 डिजिट जो आधार कार्ड का लास्ट वाला 6 डिजिट कोड हो, वो कोड को आपको यहाँ पर इंटर करना है। यहाँ पर वैलिड ऑप यानी एक्सपायरी डेट आपको दूसरे नंबर पर डालना है। यहाँ पर आपको 6 डिजिट का आपका जो भी लास्ट वाला कोड होगा, कार्ड नंबर होगा, वो आपको इंटर करना है और यहाँ पर एक्सपायरी डेट डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पर प्रोसेस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको वहाँ पर एक ऑप्शन आएगा सेट यूपीआई पिन, आपको सेट कर लेना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप मालूम कर सकते हैं यदि आपका यूपीआई पिन आप भूल गए हैं तो, और आपको चेंज करना है, आपको मालूम है यूपीआई पिन, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है, चेंज वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। चलिए मैं चेंज वाले पर क्लिक कर रहा हूँ। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर क्या होगा, जो आपका अभी पिन है वो पासवर्ड आपको यहाँ पर इंटर कर देना है। तो चलिए मैं अपना वो पिन यहाँ पर इंटर करने के बाद यहाँ पर देखिए अब ऑप्शन आ रहा है, मैं इंटर कर दिया हूँ। उसके बाद देखिए इंटर 6 डिजिट न्यू यूपीआई पिन, तो यहाँ पर 6 अंक का न्यू यूपीआई पिन आप डालकर उसे याद कर लीजिए। उसके बाद आप यहाँ पर प्रोसेस पर यहाँ पर टिक पर क्लिक कर दीजिएगा, उसके बाद डाउन हो जाएगा यानी आपका यूपीआई पिन चेंज हो जाएगा। इस तरीके से यूपीआई पिन चेंज कर सकते हैं अपने फ़ोन पे में, और कोई भी फोन पे से रिलेटेड आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका प्रॉब्लम सॉल्व करने का कोशिश करूंगा दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए।